गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक किया वो किया कि मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ वल्केनिज्म. ठीक है, कि जो ज्वालामुखी प्रस्फोटन होता है, लावा मैग्मा निकलता है, उस लावा मैग्मा के निकलने के कारण क्या होते हैं. हमने इससे पहले बात करी थी कि एसोसिएटेड मेन जोन्स कौन से हैं. ठीक है, कहाँ पे लावा मैग्मा निकलता है, जो भी वीक जोन्स होते हैं, कमजोर जो जहाँ पे परतें होती हैं अर्थ सरफेस के अंदर हमारे पृथ्वी पे, वहीं पे आपको ज्वालामुखी प्रस्फोटन की प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है. जो मुख्यतः कहाँ होगी, या तो जहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं जिनका कोलाइडिंग हो रहा है, या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं. ठीक है, थीके? या तो इनका रूपांतरित आपको निर्माणकारी जो आपको प्लेटना किनारा देखने के लिए मिल रहा है, रचनात्मक प्लेटना किनारा देखने के लिए मिल रहा है, या फिर विनाशकारी प्लेटना किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेटना किनारा के अंदर देखने के लिए मिलता है. क्या कारण है, क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाते हैं वैसे वैसे तापमान की वृद्धि होती जाती है. वृद्धि होने का कारण क्या है, वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के वजह से आप 32 किलोमीटर जैसे ऊंडाई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, वैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा. दूसरा क्या होता है कि जब आपके डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स होता है, रचनात्मक प्लेट ना किनारा जब होते हैं, तो ये दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वैसे में ऊपर का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, और ऊपर का लोड रिड्यूस होने के वजह से नीचे जो लावा मैग्मा है उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, उसके पिघलने का पिघलांक जो बिंदु है वो कम हो जाता है, जिस वजह से वो इजीली बाहर आ जाता है. साथ ही साथ लोड कम होने की वजह से उसको वहां से एक स्पेस भी मिल रहा है बाहर निकलने के लिए. फिर आपके जो भी पानी जमीन के अंदर रिस करके जाता है भूजल के द्वारा, वो जब इस गर्म लावा मैग्मा के ऊपर आता है तो वो बाहर ज्वालामुखी में से कैसे निकलता है, गैसेस वगैरह बन करके निकलता है. ठीक है, और इसीलिए गैसेस एक्सप्लोजिव होती हैं. इसलिए एक चीज हमने जब देखी थी कि क्या क्या मटेरियल्स निकलते हैं, तो अराउंड 75% जितने जो है हमें गैसेस इसमें देखने के लिए मिलती है. तो ये हमने एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या कॉजेस क्या है, क्या कारण है जिस वजह से ज्वालामुखी प्रस्फोटन होता है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर भी किया था. ठीक है, तो ये वाला चीज सब आपको समझ में आ गया इसके अंदर, ये कैसे हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इनके डाइवर्जेंस होने की वजह से अलावा मैग्मा बाहर निकल रहा है, ये आपका मेंटल है. ठीक है, तो कन्वर्जेंस है आपके जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती है वहां पे ही आपको वॉल्केनिक इरप्शन से एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज है वो हमें देखने के लिए मिलती है. फिर हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी हैजर्डस इंपैक्ट की. ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है इसके हैजर्डस का इंपैक्ट होते हैं. हैजर्डस इंपैक्ट पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में देखते हैं, तो कोई भी जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, डैम्स हैं, इन सब पे आपको देखने के लिए मिलता है. कोई अगर कुदरती आपका नदी है या सरोवर है, तालाब है, उसके अंदर लावा मैग्मा मिल जाएगा तो उसको वो नुकसान पहुंचा देगा. उसकी क्वालिटी जो है, उस पानी की जल की जो गुणवत्ता है उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा. हवा के अंदर जो एशेज निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं ज्वालामुखी में से, तो वो एटमोसफेयर के अंदर विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, हेज इफेक्ट डाल देते हैं. ठीक है, पारदर्शिता कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है. साथ ही साथ ये गैसें जहरीली होने की वजह से वहां पे मिलने वाले वनस्पति, प्राणी जंतु और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है. साथ ही साथ ज्वालामुखी से संबंधित हमें काफी सारे धरती कंप, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो एसोसिएटेड अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं. इससे एसोसिएटेड सुनामीज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं. अगर ज्वालामुखी प्रस्फोटन जैसी क्रिया कहीं पे समुद्र में हो रही है, दरियाई क्षेत्र में अगर हो रही है, तो वहां पे ये आपका सुनामी का भी रूप ले सकता है. और सुनामी से जनित होने वाली आपके जो डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, ठीक है, सी वेव्स, वो ओरिजिनेट हो सकती हैं, दरियाई मोजा जो है उनका निर्माण हो सकता है, जो कई सारे विनाश पहुंचा सकते हैं. तो ये कई जो इम्पैक्ट है हमें ज्वालामुखी प्रस्फोटन के देखने के लिए मिलते हैं. अब हम एक इसके अंदर बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं उनके बारे में. ठीक है, एज इफ आज की तारीख में हम देखें तो भारत में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है. हमने ज्वालामुखी के तीन प्रकार पढ़े थे, सक्रिय, सुप्त, अनमृत ज्वालामुखी, एक्टिव, डोरमेंट एंड डेड वॉल्केनोस. ठीक है,
तो हम देखें कोई भी एक्टिव वॉल्केनो एज इफ हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। ये लिस्ट आपको वॉल्केनोज का इवन विकिपीडिया पे ये लिस्ट मिल जाएगा। क्वार्टनरी टाइम पे देखें तो क्वार्टनरी टाइम पे हालांकि ये सभी जो वॉल्केनोज हैं ये एक्टिव थे, तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो आइदर ये डॉर्मेंट स्टेट के अंदर है या एक्सटेंटिव है या फिर आपके डेड वॉल्केनोज है, खत्म हो चुके हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका बैरन आइलैंड। अंडमान आइलैंड के अंदर हमें बैरन आइलैंड जो है वॉल्केनो मिलता है देखने के लिए, इसके हम पिक्चर्स भी देखेंगे कुछ। लास्ट जो इसमें इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी प्रस्फोटन हुआ था, वो 2017 में हुआ था। इससे पहले तक इसे हम सुप्त ज्वालामुखी कहते थे, डॉर्मेंट कहते थे, लेकिन अभी 2017 में ज्वालामुखी प्रस्फोटन होने की वजह से ये एक्टिव टाइप ऑफ वॉल्केनो के अंडर रखा गया। किस टाइप का है ये? तो ये स्ट्रॉबेलिनी टाइप जो है, स्ट्रॉबो वॉल्केनो टाइप्स के हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हार्ड लेयर हमें इसका देखने के लिए मिलता है, इसमें से लावा, टेफ्रा, प्यूमिस, एशेज, ये सब इसमें से निकलते हैं। एक ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आपके ये पुराने डॉर्मेंट एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं, जिसमें है नारकाडोमा। नारकाडोमा जो वॉल्केनो, ये भी अंडमान आइलैंड्स में है, ये डॉर्मेंट स्टेट के अंदर है, ये भी स्ट्रैबो वॉल्केनो टाइप है। फिर आपके डेक्कन ट्रैप जो मैंने तुम्हें बताया ही था, ठीक है, दक्कन का जो पठार है भारत का, दक्कन का जो उच्च प्रदेश है, ये भी वॉल्केनो का ही पार्ट था। लेकिन ये वॉल्केनिक इरप्शन बहुत पहले हुआ था आपके 66 मिलियन ईयर्स अगो ये हुआ है। ठीक है, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब ये क्रिया हुई है, उस टाइम पे कोई भी ह्यूमन बींग्स वगैरह ओरिजिनेट नहीं करते थे। इसके अलावा आपका बर्तांग वॉल्केनो है, ये भी अंडमान आइलैंड्स के अंदर रहा है, ये 2003 में एक्टिव रहा ये वॉल्केनो। इसे मड वॉल्केनो भी बोलते हैं कि इसमें से निकलता है वो ज्यादा लावा, मैग्मा की जगह मड जो है वो आपके निकलते हैं। धिंदोर हिल्स है, धिंदोर हिल्स गुजरात के अंदर है, ये एक इनएक्टिव वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर आपके धोरसी हिल है, धोरसी हिल हरियाणा के अंदर है, अराउंड 732 मिलियन ईयर बिफोर जो प्रेजेंट है बीपी, उस टाइम पे ये वॉल्केनो एक्टिव रहा था, भी एक्सटेंटिव है। तोशाम हिल्स, ये भी हरियाणा के अंदर है, ये भी उसी टाइम पीरियड का है, ये दोनों ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में ही हमें धोरसी हिल्स और तोशाम हिल्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बैरन की, जो बैरन आइलैंड्स हैं जो कि एक्टिव वॉल्केनो 2017 में रहा है, और फरवरी के अंदर 2020 के अंदर भी माइल्ड एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज इस बैरन आइलैंड के अंदर हमें देखने के लिए मिली थी। ये है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये है आपका बैरन आइलैंड। ठीक है, ये एक इसका पिक्चर है, लास्ट जो इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ था उसका पिक्चर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये जो बैरन आइलैंड का एक आपको बहुत अच्छा पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। फिर भरतांग आइलैंड जो मैंने बोला, भरतांग आइलैंड का जो वॉल्केनो, इसे मड वॉल्केनो भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, मड निकल रहा है जनरली। ठीक है, ये जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से अराउंड 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके स्क्यूबा लाइमस्टोन केव्स भी हैं और इवन मैनग्रूव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। फिर आपके नरकोडैम आइलैंड, नरकोडैम आइलैंड जो है ये डॉर्मेंट है। ठीक है, यानी कि सुप्त ज्वालामुखी है। हमारा जो ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है GSI जो है, इन्होंने इसकी खोज की थी अंडमान एंड निकोबार में। उसके अलावा ये मेजर जो और दूसरे आपके धिंदोरा जो कि गुजरात के अंदर है, अभी गुजरात के अंदर, उसका नाम आप याद रखेंगे ही, धोरसी हिल्स है। बैरन आइलैंड का नाम जो है वो खास करके आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में बैरन आइलैंड के बारे में, अंडमान निकोबार में जो मिल रहा है ज्वालामुखी उसके बारे में पूछ लेते हैं, उसका टाइप पूछ लेते हैं, तो स्ट्रेटो वॉल्केनो ये इसका टाइप। ठीक है, तो अभी हमने ये वॉल्केनो के बारे में पूरा पढ़ लिया है, ज्वालामुखी प्रस्फोटन के बारे में पढ़ लिया है, जो कि हमारा यूनिट 2 का एक बहुत पढ़ा देंगे।